दोस्तों, जैसे ही यूपी के चुनाव का बुगल बजा और सारी पार्टियां कमर कसकर जो मैदान में उतर चुकी हैं, इस सिलसिले में हम अलग अलग लोगों से राय ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर कांग्रेसी लीडर मसूद हाशमी साहब मौजूद हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और नज़र बनाए रखते हैं। अक्सर आप इनको जो है चैनलों पर डिबेट करते हुए देखते होंगे। तो मसूद साहब, जो यूपी की इस बार राजनीति हो रही है, आने वाले इलेक्शन में इस बार आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर लोग जो हैं वो पिछली 5 साल की जो सरकार है, बल्कि मैं कहूँगा जो सेंटर के अंदर सरकार है, स्टेट की तो हम बाद में बात करेंगे, सेंटर की सरकार से ही पूरे हिंदुस्तान के लोग बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं। और ख़ासकर यूपी के अंदर जो 5 साल का ढोंगी राज रहा, मैं उसको ढोंगी राज कहता हूँ, तो उसने लोगों को बहुत परेशान किया है। वहाँ की औरतें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। वहाँ के किसान, वहाँ के नौजवान, वहाँ बेरोज़गारी का मसला, वहाँ गुंडागर्दी का मसला। पहले कहा जाता था कि यूपी में गुंडागर्दी होती है आवाम के ज़रिए, लेकिन ढोंगी बाबा के आने के बाद से जो 5 साल में सरकारी गुंडागर्दी हुई है, उससे लोग बहुत परेशान हैं। और वो किसान बहुत परेशान हैं कि जिनके खेतों को मवेशियों ने और जानवरों ने रौंद दिया, वो मेहनत करके अपने उन्होंने खेत लहलाए, खेतों में खेती की, और जानवरों का झुंड आता है और ढोंगी बाबा की वजह से उन जानवरों को रोक भी नहीं पाते, क्योंकि जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक फेंसिंग की अपने खेतों के अंदर, उनके ऊपर भी केस बनाए गए। तो लोग जो हैं वो बहुत खामोशी से 5 साल में कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि आवाम जब वोट देती है उसके बाद फिर 5 साल तक उसको इंतजार करना पड़ता है। अब मौका आवाम के पास है, अब आवाम का वक्त सर है। एक आज जो है बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रही है कि वो अखिलेश जी की तरफ से है कि वो यूपी में काबा, और उनकी तरफ से आ रहा है कि यहाँ योगी की साबा। तो इस ये जो चल रही है जंग, जो वीडियो तक ही महदूद है या इसमें मैदानी भी कुछ है? देखिए, जो फनकार होते हैं ना, वो चाहे राइटर हों, चाहे सिंगर्स हों, चाहे शायर हों, वो समाज से जुड़े हुए होते हैं और वो समाज की सबसे पहली और सबसे तीखी नज़र होते हैं। उनको उनका जो फन है वो जब निकल के आता है तो वो समाज के अंदर जो हालात हैं, जो लोग जिन हालात से परेशान हो रहे होते हैं, दुचार हो रहे होते हैं, वो उन्हीं को अपनी ज़ुबान बनाते हैं। और जो भी इस तरह के जो प्रेजेंटेशंस चल रही हैं, जो भी गीत चल रहे हैं, या जो लोगों की बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है, वो बिल्कुल ठीक बात है। और लोगों ने परेशान होने के बाद ये सवाल किया है काबा। तो अच्छा, अभी अब इसमें कांग्रेस का क्या रोल होगा, जबकि कई स्टेटों में आम पार्टी भी जा रही है, लेकिन कांग्रेस का, हालांकि उनका ये कहना कि कांग्रेस का यहाँ कुछ नहीं है, जो कांग्रेस ही कुछ एक उन्हें भी टिकट दिया था, आज वो बीजेपी में शामिल हुई हैं और उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया। जी देखिए, इलेक्शन में टूटफूट तो होती रहती है, कुछ लोग मौका परस्त होते हैं, कुछ लोगों को मालूम होता है कि हमने काम नहीं किया, ये वाला इलेक्शन हम हार जाएंगे, तो वो सोचते हैं कि इस दफ़ा किसका माहौल है, तो उसकी तरफ पलटी खाते हैं लोग। और कुछ लोगों को ईडी और जो दूसरी एजेंसीज हैं वो डरा धमकाती हैं, तो उससे बचने के लिए भी रूलिंग पार्टी की तरफ लोग आ जाते हैं। तो ये टूट फूट तो इलेक्शन, हर इलेक्शन का हिस्सा होती है, ऐसा होता है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, तो प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही हैं यूपी के अंदर, और हमें पूरा यकीन है कि जो उनकी प्रत्याशियों की जो लिस्ट उन्होंने दी है, जो उम्मीदवार उन्होंने इस दफ़ा खड़े किए हैं, वो बहुत समझबूझ के साथ, बहुत सोचने के साथ किए हैं। और कांग्रेस जो पुराने लोग जो थे, जो कुछ कर नहीं पा रहे थे, बल्कि जिनके कंधों पर जिम्मेदारी आती है कांग्रेस को दफन करने की और कांग्रेस को ख़त्म करने की, उनसे छुटकारा हासिल करना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस दफ़ा कांग्रेस के वहाँ यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में, चाहे इतने फेवरेबल रिजल्ट ना आए, लेकिन कैंडिडेट्स की लिस्ट अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छे कैंडिडेट दिए जा रहे हैं। तो वो अगर इस दफ़ा नहीं तो शायद अगली दफ़ा ज़रूर कुछ ना कुछ तब्दीली लेकर आएंगे। अब आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर आवाम से? देखिए, मैं आवाम से तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि 5 साल बाद आपको मौका मिलता है, अगर आपने गलती कर दी और आपने किसी भी गलत नारे, किसी भी गलत जज्बात या किसी भी लालच में आकर
कोई गलत फैसला कर दिया। और ये जो हिंदू मुसलमान, आप उत्तर प्रदेश में लोगों से देखिए, मीडिया जा रहा है बात कर रहा है, तो ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि धर्म के आधार पर इलेक्शन होगा। बड़ी बदकिस्मती की बात है, भारत के अंदर इलेक्शन होना चाहिए तरक्की के नाम पर, विकास के नाम पर, हॉस्पिटल्स के नाम पर, मेडिसिन के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, रोज़गार के नाम पर, तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर, इस नाम पर इलेक्शन होना चाहिए। ये धर्म के आधार पर इलेक्शन नहीं होने चाहिए कि जो धर्म के आधार पर जो आप इलेक्शन करते हैं वो ऐसे लोगों को, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को बहुत सख्त संज्ञान लेना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, और ऐसे लोगों की कैंडिडेचर जो है उसको समाप्त करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। देखिए, ये तो हमारे साथ मसूद हाशमी साहब, इन्होंने बिल्कुल साफ साफ ये कह दिया है कि अब नहीं तो कभी नहीं, 5 साल में एक मर्तबा आप वोट देते हैं, उस वोट की ताकत को समझें। वोट जो है जात पात पर नहीं होना चाहिए, बल्कि काम पर होना चाहिए, जो आपने किया है, और उसको प्रचार भी करना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।